हमीरपुर जिला की उप तहसील लंबलू को लेकर हमीरपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा में खींचतान चली हुई है। दोनों ही दल सदन विधानसभा क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण कस्बे और क्षेत्र पर नजरें जमाए हुए हैं, जिसके चलते लंबलू उप तहसील पर भाजपा और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। हमीरपुर जिला की लंबलू उप तहसील पर भाजपा और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार इसे अपनी उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया इसे अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। इस मामले में अब हाल ही में एक नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी की गई है, जिसके बाद मामला फिर चर्चा में है। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया का कहना है कि इस उप तहसील की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त कुछ पटवार सर्कल जो मर्ज करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, जबकि भाजपा सरकार ने इसे पूरा करने के लिए 4 साल का वक्त लगा दिया है, लेकिन अभी तक पटवार सर्कल की समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से की जानी थी तो इतना वक्त किस कार्य के लिए लगाया गया। उन्होंने कहा कि पुराने ड्राफ्ट में जो पटवार सर्कल सृजित किए जाने का प्रस्ताव था, उनको भी मुख्यमंत्री सृजित करे ताकि यहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिल सके। की घोषणा की थी मरहूम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने, वो कुन्नी कारणों के साथ उस वक्त नहीं हो सकी, क्योंकि उसका जो टेक्निकल था, जो हमने 2-3 पटवार सर्कल जो बोर्ड की तरफ शिफ्ट करने थे, तो उसे माननीय हाईकोर्ट से भी एक बड़मजी उसको जाता था, वो परमिट करते थे, लेकिन वहाँ छुट्टियाँ हुई 1 महीने के लिए, तो इसलिए फिर वो वाला काम नहीं हो सका। बाकी हमने तैयारी पूरी कर ली थी। जिस दिन हमने उसको सुबह खोलना था, उस शाम को इसका सिलेक्शन की घोषणा हो गई और वो आज तक होता रहा। सरकार बदल गई, पहले तो मैं लगता था कि सरकार का मूड नहीं था और माननीय विधायक का भी मेरे ख्याल मूड नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार ने फिर हाँ हमने तो लंबलू में घोषणा की और उन्होंने लागे जरूरी में की, लेकिन उसके लिए भी 4 साल लग गए। और जिस तरह के हमने उसकी प्रपोजल भेजी थी कांग्रेस गवर्नमेंट के पास, तो उसमें हमने कुछ राज सर्कल जो थे संभावित और राज सर्कल को जो बड़े बड़े थे उनको बांध के 4 और खोलने थे, वो नहीं खुले। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रंग में इन्होंने आज चुनावों को नजदीक देखते हुए आज खोली है, लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इसका लोगों को फैसला फायदा दिया है। लेकिन ये 4 साल पहले हो जाना चाहिए था, जब इस तरह की खोलनी थी तो पहले भी खोल सकती थी, इसमें कोई नया कुछ जोड़ा तो है नहीं, कोई कागज तैयार है, लेकिन जो कागज तैयार थे उनमें से भी कई प्रकार से उन्होंने नहीं खोले हैं। तो मैं इससे मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि उन पटवार सर्कलों का विसर्जन करके अभी जब वे खोलनी है तो उसके साथ उसको जोड़ा जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और लोग जो है वो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाए। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से सुमित राठौड़ की रिपोर्ट।